What's up, Cap Gang? Welcome back to another PUBG Mobile video. And भैया आ गया तुम्हारा भालू भैया. Of course नाच रहा हूँ. ये सामने वाले बंदे को मैंने लॉबी में बता दिया था कि बेटा तू मरने वाला है मेरे हाथ से. Like मैंने यहीं पर इसको धमकी दे दी थी. Like मैं क्लियरली इसको बता दिया था कि बेटा तेरे एल लगने वाले लंबे लंबे का स्किन के अंदर भैया ने तेरे को डेथ वारंट तेरा निकाल दिया है. एंड इसका नाम याद रख लेना गाइस, ये बंदा मेरे हाथ से सबसे पहले मरेगा लॉबी में. बाय द वे न्यू सीजन आने वाले एंड न्यू सीजन के लिए लाइक न्यू रॉयल पास भी आने वाला है. तो तुमको अगर न्यू रॉयल पास जीतना है तो भाई साहब इस ऐप का नाम है इलाइट पास एंड डायमंड. आप इस ऐप के थ्रू यूसी फ्री फायर कैश एंड पेटीएम मनी बहुत ही इजीली जीत सकते हैं. एंड उसी के साथ आप इसके अंदर एक इलाइट पास तक जीत सकते हैं. बस आपको आकर के एक पार्टिसिपेट के बटन को एक बार दबाना है. आप देख सकते हो बहुत सारे लोग जीत चुके हैं एंड इसके साथ आप सक्सेसफुल पार्टिसिपेट कर लोगे. फिर इसमें एक लकी स्पिन भी है एंड बस लकी स्पिन में आने के बाद आपको बस एक बार गो पे दबाना है. एंड अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप इलाइट पास या फिर डायमंड्स तो भैया आप 100% जीतोगे. तो एक्स्ट्रा बोनस में जाकर के आप अपने फेसबुक के अंदर इसको शेयर करके 0.1 डायमंड एंड सेम चीज व्हाट्सएप पे करके और डायमंड्स कमा सकते हैं. वो ही नहीं, इधर और ऐप्स के ऑप्शन भी आते हैं जिसके थ्रू आप एक और दो डायमंड बहुत इजीली कलेक्ट कर सकते हो. एंड रेफर एंड अर्न से भी आप बहुत ज्यादा डायमंड्स कलेक्ट कर सकते. सिर्फ अपने दोस्त को बोला भैया ये लो मेरा रेफर कोड, डालो इस ऐप में जाके एंड दो डायमंड डायरेक्ट आपके अकाउंट में. एंड भैया जी पैसे निकालने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, फ्री फायर गिफ्ट कार्ड, पबजी का यूसी गिफ्ट कार्ड एंड पेटीएम वॉलेट कैश. तो जाकर डाउनलोड करो इलाइट पास एंड डायमंड ऐप, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड ढेर सारे यूसी कमाओ. एंड इसी के साथ हम गिर पड़े भैया मिलिट्री बेस में. तुम्हें इस गेम प्ले की स्पेशलिटी बताऊँ, इस गेम प्ले में मैंने सब कुछ किया. लाइक हर गन चला दी होगी भयंकर, सारे के सारे इंटेंस मूवमेंट. लाइक इतना अच्छा गेम किया ये मेरा, इतना हाई किल गेम प्ले था ये. इसके सब कुछ किया हमने, मिनी चलाई, AKM चलाई. एंड भैया जी जिसको मैंने कहा था कि सबसे पहले मारूंगा अपने आंखों के सामने उसको मारा. एंड जैसे ही मैंने इसे नॉक किया ना, एक्चुअली लाइक मेरे को पता नहीं था वो है. तो जब मैंने इसे नॉक किया मैंने कहा अरे ये तो लॉबी वाला लड़का है, बेचारे को मैंने यहीं पर ही पकड़ लेती जल्दी. आए 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 लाइक ये तो एक कह के मारने वाली बात हो गई. लाइक कह के मार दिया तो गलत ही शिटॉन पड़ गया ना बेचारे को. तो भैया जी जब ऐसा सीन होता है तो तुम्हारा भाई लाइक बैठ ही गया. मैंने कहा तेरे को ख़त्म करके ही जाऊँगा यहाँ से, तू अब जिंदा तो निकलने से रहा. ना 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 नो बेबी नो. तो इतने में क्या हुआ, एक स्क्वाड का बंदा हमारे यहाँ पे लूट रहा था हमारी बिल्डिंग में. मैंने कहा भाई तेरे को डरवर नहीं लगता, क्या ही लूट रहा है तू. एंड भाई क्या ही बताओ, मेरी पिंग के लंबे लंबे लग गए यार. देख रहे हो पिंग मेरी 60 आ रही है पर भयंकर शॉट्स रजिस्टर नहीं हो रहे. मैं बंदे को गोली मारो उसको गोली नहीं लग रही है. अब करे तो करे का, आप मारियो पे चले जाए, पबजी अभी छोड़ देंगे. पबजी वाले बताओ, ये बताओ मेरे को ये कौन से एंगल से जस्टिफिकेशन है इसका, मेरे को जरा बता दो. ठीक है एक गोल लाइक पिंग मेरी आ रही है 70, 80, 90 ठीक है, शॉट्स रजिस्टर क्यों नहीं हो रहे क्यों? व्हाट इज दिस पबजी मोबली, हम क्या टार्जन वार्जन बन जाए? अभी देखो ये देखना अभी, ठीक है मेरी पिंग देखो एंड मैं इसको बॉडी मार रहा हूँ इसे, कितने घंटे बाद रजिस्टर हो रही है. चाहते का हो पबजी वालो? भाई मेरे को तो कभी कभार समझ ही नहीं आता क्या ही सस्ते नशे करके पबजी आजकल चल रहा है. ये आजकल पता है मैंने नोटिस किया है कि ये न्यू अपडेट के बाद से देखो अब लोडिंग लिखा आ गया, पिंग नीचे ऐसी आ रही. तो मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ? अब बताओ पबजी वालो व्हाट इज दिस. अभी वैसे AKM चला रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ ना इस गेम प्ले मैंने सारी गन चला दी एक तरह से ना. लाइक बोल्ट एक्शन तो शायद नहीं चलाई बट सारी बाकी सारी गन चला दी, एक भी गन नहीं छोड़ी. UMP चला रहा हूँ, AKM चला रहा हूँ, ग्रोजा चला रहा हूँ, मिनी चला रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या चला रहा हूँ. तो भैया जी फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब जो राइट वाली सी बिल्डिंग है उसमें पुश कर देते हैं, कॉज हमको इन लोगों का सी काटना था. देख रहा हूँ मैं लेटने की कोशिश कर रहा हूँ मुझसे लेटा नहीं जा रहा है, मैं बंदे को मारने की कोशिश कर रहा हूँ मुझसे मारा नहीं जा रहा है. अरे चाहता क्या है भाई, पबजी जिंदा कैसा है? या तो तू यार नीचे बॉटम लेफ्ट में 400-500 पिंग दिखाते, चलो मैं मान भी जाऊँ कि मेरा इंटरनेट की दिक्कत है. इंटरनेट परफेक्ट है, यह सस्ता दो कड़े का नोबड़ा सा गेम कुछ भी कर रहा है आजकल. इसको भी लाइक इनिशियली नहीं पड़ी ना, इसको भी एक साल बाद गोलियां रजिस्टर होनी शुरू हुई. अब मैं बताऊँ करूँ तो करूँ क्या, लग जा भाई गोली आज के दिन में, दिमाग ही फूंक दे रहा है हमारा तुमने तो. तो अभी क्या हुआ ना, जब मैं इधर ऊपर गया इसको लूटने तो एक DP वाले ने हमको भर दिया पागल जैसे. मैंने कहा अरे भैया
जो पहला हेडशॉट रहेगा वो अभी भी रजिस्टर नहीं हुआ, क्या करें, बस चंद के ही अपरंपार हो गई हमारी तो। वैसे इस डीपी वाले को कब पता था कि हमारे पास मिनी एटैक्स है, नहीं तो अगर मेरे पे यहाँ पे मिनी एटैक्स नहीं होता तो ये बच जाता 100% बच जाता, लाइक कि हमारी फाड़ के चार कर देता। अरे मैं तो भूल गया था मेरे पास ये सस्ता 70,000 का सैमसंग S10 Plus है जिसके अंदर पबजी लैग करता है। कौन सा 70,000 रुपये का फ़ोन पबजी लैग करता है? सैमसंग S10 Plus। कृपया करके इस फ़ोन को ना खरीदेगा, मेरी बात मानिए, अगर आपके पास है तो उसको तोड़ दीजिए क्योंकि वो बिकेगा भी नहीं, क्योंकि लेगा कौन इस चोमू से फ़ोन को? पता नहीं भाई मैंने क्यों ले लिया, गलती की अब तक के सबसे ख़राब मैंने चीज़ खरीदी होगी तो ये खरीदी होगी। पब मैं क्या करूँ, इस फ़ोन के अंदर से मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ, पबजी ने क्या करा मेरे फ़ोन के साथ मुझे तो पता नहीं, बट ये सस्ता नुबड़ा फ़ोन किसी काम का नहीं है। तो अब यहाँ पर इन लोगों ने पता नहीं नो वाली स्क्वाड ना किया, यहाँ पर फ्लेयर चला दी। मैंने कहा हेलो भैया, तो जैसे कि बहुत सारे लोग आप जानते होंगे मैं ग्रोजा का उतना बड़ा फैन नहीं हूँ भयंकर, हम चलाते हैं M4 या फिर M249, लाइक हम AKM के भी उतने बड़े फैन नहीं है, बट इस गेम प्ले में बता रहा हूँ ना मैंने वो गन चलाई जो मैं यूजली नहीं चलाता हूँ, जैसे कि लाइक AKM, फिर आगे आपकी ये ग्रोजा, लाला लोजा, पॉकेट फुल ऑफ पास्ता, क्या ही राइम बनाता है तुम्हारा भाई। तो भाई तो कैसे, अगर तुम वीडियो अभी तक देख रहे हो, हमने पूरा का पूरा लाइक मिलिट्री बेस का आइलैंड साफ कर दिया, तो नीचे जाकर जल्दी से लाइक कर दो सस्ते में, बिकॉज देखिए ये बहुत ही सस्ता गेम प्ले है, लाइक कतई सस्ता गेम प्ले है, बिकॉज में हमने सस्ती सस्ती सी गन चलाई, ग्रोजा AKM टाइप, हाँ दो कड़े की सस्ती से गन आई है। तो आपको भी जाके सस्ते से लाइक कर देना चाहिए बहुत ही आसानी से। एंड सस्ते की बात करते करते हम ब्रिज पे आ गए सस्ते नशे करते हुए चरस गांजा फूक के, बट अब हमें का पता था कि हमारे सामने जो ब्रिज कैंप कर रहे हैं उन्होंने हमसे भी बुरा गांजा फूका हुआ है। अबे गाड़ी तो आने दो, लाइक हमारी गाड़ी इनके पास तक नहीं पहुंची है। ये देखो पबजी के सस्ते नशे, डब्बे पे गोली लग रही है। अरे भैया कोई बचा लो मुझे, मैं रो दूंगा यार। अब पबजी अटक गया भाई, मैं रो रहा हूँ गाइस, मैं रोने जा रहा हूँ, आप वीडियो देख लो पूरी, मैं रोने जा रहा हूँ, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है मेरी पबजी के साथ क्या हो रहा है, आई डोंट नो, इतने ग्लिचेस लगे मैं पानी में डूब जाऊँगा, मैं बता रहा हूँ, मुझे खेलना ही नहीं है यार, क्या ही गेम है यार ये। एक्चुअली अब ये बंदा यहाँ से मैंने सोचा राइट पीक लेगा, बट ये नोबड़ा लेफ्ट आ गया तो मैंने इसको लेफ्ट में भेज दिया पूरा, बट यार इतने ग्लिचेस पबजी, क्या करें तो करें क्या बताइए। ऐसे एक बार मैं नॉक हुआ था रिसेंटली, तो लोग बोल रहे थे कि तू लैग आउट होता है, नॉक होता है, तो तू कंप्लेन करता है फालतू, तो क्या एक्सक्यूजेस देते है? तो भैया जी आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, अब थोड़ी बहुत इज्जत तो बचानी पड़ती है ना, अब जब सामने वाले सीधे की सीधी गन फाइट हार जाता है नोबड़ा बंदा मेरे जैसे टाइप, तो लाइक एक्सक्यूज देना तो बनता ही है, लाइक हमारे जैसे लोग एक्सक्यूज देकर अपनी छोटी सी GND बचाने की कोशिश करते हैं, सीधी सी बात है इसमें कुछ खास लग चुकी है, आ गए ब्रिज कैंप के तोड़ के फार कर दिया तुम्हारे भाई ने। मैं शायद ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ आज, ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ ना मैं, पता नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग तेजी से सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। वाह क्या ही प्रमोशन करता है रे मैं, नीचे जाओ जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को जोर से दबाओ, चाहे अपने पबजी का फोन उठा करके मारो सब्सक्राइब के बटन पे, चाहे M4 उठा करके मारो, चाहे M24 उठा करके मारो, चाहे AWM उठा करके मारो, चाहे ऐसा करो ग्रेनेड ही फोड़ दो उठा करके अपने फ़ोन पे, बट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। हमारा गोल पूरे के बड़े 7 लाख सब्सक्राइबर्स का, तो क्या भी नीचे जाओ जल्दी सब्सक्राइब करो। एंड इसी बात पे तुम्हारा भाई निकल पड़ा स्क्वाड हाउस की तरफ, जो कि पोचिंगी का स्क्वाड हाउस है। एंड यहाँ पर हमारे सामने एक स्क्वाड आकर के रुकी, हम एक्चुअली इसका ही फॉलो कर रहे हैं, इसको ही फॉलो कर रहे थे अपने शिमला वाली US में, बट हम जब यहाँ रुके ना पूरे सर्वर को पता नहीं क्या सनक चढ़ गई भयंकर, पूरा सर्वर आकर हमारे पीछे चिपक गया। मैंने कहा भैया ये क्या हुआ, ये पता नहीं कैसे बचा, लेट्स जस्ट इग्नोर दिस, पता नहीं कैसे बच गया बस, किस्मत अच्छी थी बच गया। तो अब क्या हुआ ना, पीछे से एक US आई एंड ये दो कड़े के सस्ते सन्नो बड़े पत्थर के पीछे रुक गया आकर, लाइक ऐसे कौन करता है, अरे नहीं तुम थर्ड पार्टी करने आओगे, ये देखो, अरे भैया ओ माय गॉड, नहीं ये क्या देख लिया मैंने, अब मैं क्या करूँगा, इस पबजी नहीं चाहता मेरी गोली लगे बे,
पबजी चाहता है कि हम उसके यूसी के डबल डबल प्राइसेस भरे, भयंकर 10,000 यूसी में मेरा 10 जोड़ी कपड़ा आ जाए जितने में तेरी एक छोटी सी आउटफिट नहीं आती है। उफ भैया रुला देता है यार पबजी कभी कभार इसके हरकतों से। फिर मेरे को यहाँ पे इस बंदे ने पील दिया, लाइक मैं इसको क्या बोलूँ, इसके लिए मैं क्या एक्सक्यूज इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेट्स थिंक, अपना 15 केड़ी के दिमाग से किंग एंड ग्रो भी एक एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं। अरे हाँ, ग्रोजा तो वैसे भी सस्ती 2 केड़े की गन है, इससे तो जीतना पॉसिबल ही नहीं। बस खत्म बात, खत्म खत्म, गन ही बकवास है रही है, हमको चलानी ही नहीं है सस्ते से गन। वैसे मैं इस गेमले में ग्रोजा इसलिए चला रहा था, मैंने सोचा लाइक ग्रोजा यार ओपी गन है, लोग चलाते हैं, हम भी चलाएंगे, मगर हमें कहा पता था कि हमारा कट जाएगा चलाते चलाते। उस बंदे ने अच्छा मारा मेरे को पकड़ करके, मेरी सारे की सारी बॉडी शॉट लगी, उसने मेरा अटैक खोपड़ा ही खोल दिया मार करके ना। एकेएम का एंड एकेएम का हेडशॉट डैमेज भैया, बोल्ट एक्शन देख रहे हो, AWM वन शॉट वन किल, वो है एकेएम का हेडशॉट बता रहा हूँ मैं तुम्हें, तो बच के रहना उससे। तो अभी क्या हुआ, हमारी गाड़ी जो शिमला वाली यूएस थी इसको लाइक फोड़ दिया यार, गर्मी निकाल दी पूरी ठंडी ठंडी शिमला में से। तो अब मैंने डिसाइड किया कि जो पत्थर के पीछे जो बंदे आए थे इनके पास भी तो एक गाड़ी थी, तो मैं इनकी गाड़ी ले लेता हूँ। मगर हमें का पता था कि इन नुबड़ों की गाड़ी भी फट चुकी है। ये लोग तो यहाँ पर मैंने स्क्वाड के 2 बंदे नॉक करे, ये बग्गी वाला तो भैया हॉट व्हील से खेल रहा था। बेटा मैं हॉट व्हील्स जब 3rd क्लास में था ना तब खेला करता था, आप अभी तक खेल रहे हो पबजी में हॉट व्हील्स? वैसे यार ये बग्गी शायद से हॉट व्हील्स में थी, शायद से, मेरे को याद भी नहीं आ रही, शायद से थी, ठीक है हॉट व्हील्स में जो पीसी गेम था हॉट व्हील्स का, पता नहीं शायद से थी, पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रही। बट एनीवेज गाइस, अगर आप देखना चाहते हो जो मैंने अभी ये करा, ये और देखना चाहते हो, ये मैंने भाई वाला जो काम किया यहाँ पे, भाई वाला, तो अगर आपको ये और देखना है तो आपको चैनल को सपोर्ट तो करना ही चाहिए, तो जाकर के आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। 60 रुपीज़ से स्टार्ट है, तो आप सब्सक्राइब के जो लेफ्ट साइड में ज्वाइन कर का ब्लू कलर का बटन, आप उसको जा करके दबा सकते हो एंड चैनल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ज्वाइन करके, एंड #capgang मेंबरशिप ले सकते हो, सारे के सारे पर्क्स आपको उसके अंदर लिखे मिल जाएंगे, सिर्फ 60 से स्टार्ट है, ज़्यादा क्या भी नहीं, तो आप चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो उसी तरीके से। एंड ये देखिए, ये जा रहा है हमारा आमिर खान, सस्ता एक्टिंग वाला आमिर खान जो सस्ते में मिलता है हमें, ये Dhoom 4 की शूटिंग करता हुआ जा रहा था। मैंने कहा अरे भैया कहाँ जा रहे हो, भैया आमिर खान भैया ऑटोग्राफ दे दो, नहीं रुका ही नहीं चला गया, मैंने कहा ठीक है बाय बाय। फिर मैंने इसको देखा, मैंने कहा अरे ये तो हमारा सस्ते का कौन बच गया, कौन सा एक्टर है जो ऐसे कूदता रहता है, कौन सा कूदता है ऐसा, और कौन है, जैकी शरॉफ है ये हमारा सस्ता वाला जिसको हमने यहाँ पे कूदते हुए पेल दिया। तो फिर हमने कहा कि लाइक अरे ये तो एक बंदा नॉक हो गया, घुस जाते इसी बात पर डैश से लेकर के, एंड मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे 2 स्क्वाड लड़ रही है, लाइक मेरे को पता भी नहीं था, लाइक मैंने तो एक नॉक किया मैं घुस गया, एंड ये स्क्वाड का क्या कर रहे थे भैया, भैया क्या कर रहे हो भैया, पता नहीं भैया, डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग, नेवर माइंड। अब ये बंदा यहाँ पे ओपन में खड़े होके कार 98K मार रहा था, मैंने कहा अरे कसुत्ता भर दिया, गलती भर दिया। एंड पता है 8x मिनी का फायदा क्या होता है, लाइक जो 6x की स्प्रे गन्स में नहीं होता है, तुम इससे बहुत दूर तक लाइक घासों के थ्रू भी ना हल्का सा बॉडी का एलिमेंट भी स्पॉट कर सकते हो, जो कि 6x के थ्रू पॉसिबल नहीं होता, इसलिए लाइक मिनी 8x बहुत ज़्यादा ओपी लगता है मेरे को, क्योंकि तुम बंदे को ना एक्यूरेसी से मार सकते हो, बहुत तेजी से मार सकते हो। एंड भैया मिनी का ऑटो स्प्रे मारने में जो लाइक मजा है और किसी में नहीं है, एंड आप इसको बोल्ट एक्शन टाइप भी चला सकते हो, सही बता रहा हूँ, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको इसके बाद कि कैसे चलाते हो उसे। तो अब जो सामने जो US थी, मैं इसके टायर फोड़ने की कोशिश कर रहा था कि भैया जिसके टायर फोड़ जाएंगे तो हमारा थोड़ा सा काम धाम आसान हो जाएगा, 14 किल तो हो गए तुम्हारे भाई के। बट क्या हुआ ना, इतने में एक सपेरा, हाँ जी हाँ, द जहरीला प्रोडक्ट ऑफ इरेंजल, इसने इक्लिप्स को नॉक क्या किया, बे तो घुस ही गया था नुबड़ा,
भाई कंट्रोल योर फीलिंग्स, हम जानते हैं आप सिंगल हैं, आपको गर्लफ्रेंड चाहिए, तो आप शो ऑफ करने के लिए ऐसे पुश कर रहे हैं। समझता हूँ मैं आपके अंदर के फीलिंग को, आपके दर्द को, बट बेटा ऐसे नहीं पटेगी, नहीं ऐसे नहीं भागने का ऊपर में, आराम से रुकने का, फिर जाने का, फिर मजे लेने का। अगर तू वहाँ पर बैठा हुआ एक नेड फेंकता, एक लिप्स को कन्फर्म करता और टीपीपी लेता तो तू मेरे को भी मार देता, बट नहीं, तूने स्टंट मारने की कोशिश करी एंड तेरा स्टंट फेल हो गया बेटा। एंड ये देख रहे हो एक ही घर में लेवल 3 का फ्रेश प्रोडक्ट, फिर तुम्हारे भाई ने चलाई मिनी पूरे स्वैग में, मजा ही आ गया इसको चला के। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि भयंकर बोल्ट एक्शन एक्लिप्स पे कि मेरे पे। एक्लिप्स यहाँ पे बोल्ट एक्शन चला रहा है, बट नोबड़ा चाटा खा करके नॉक हो रहा है, मतलब बेइज्जती तो देख रहे हो कितना करवा रहा है लड़का हमारा दो केड़े का। नहीं आपका नाम एकदम सही है एक्लिप्स ना बेएफ, नहीं वापस खा लिया, वापस से खा लिया। अरे मैं बता रहा हूँ मैं रो दूंगा मैं यार, कितना फ्रस्ट्रेटिंग हूँ मैं आज, क्या हो रहा है मेरे साथ ही। ये पबजी ने आज इतने ग्लिचेस दिखाए, ऊपर से एक्लिप्स लाइक चाटे पे चाटे खाए यार, मैं तो खुद कन्फ्यूज हो गया कि ये बोल्ट एक्शन वाला बंदा है कि मैं हूँ। हैं कितनी बार नॉक होगा रे नोबड़ा, कितना नॉक होगा। फिर मेरे को बोलता है कि इस पर लेवल 3 लाइक इस पर वेस्ट और हेलमेट नहीं। मैंने कहा अरे बगल वाले कमरे में जाना, वहाँ लेवल 3 का सामान पड़ा है पूरा, उसको ले, मजे ले जिंदगी के, खुश रहे, क्यों रो रहा है। तो इसको मैंने बोला कि यहाँ पे लेवल 3 का सामान है, जा करके ले ले चुपचाप। एंड फिर मैंने वापस से मिनी चलाई थोड़ी सी यार, मैं बताऊँ और मारता हूँ ना, और मारता है, बट ये इक्लिप्स नोबड़ा नॉक हो गया ना, सही बता रहा हूँ, नहीं तो और मारता। फिर मैंने ना और मारा और क्या, लाइक जब वो रिवाइव हो गया फिर तो मारना ही है ने, फिर और पेला इन्हें। प्लीज गाइस, जो ये मैं करने की कोशिश कर रहा था, मैं हैकर नहीं हूँ, प्लीज मैं हैकर नहीं हूँ, मैं ये इसपे इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ना ही मेरा इम्पोर्टेंट, ना ही वॉल थ्रू हैक है। ये एक दो केड़ी का सस्ता था ग्लिच गेम के अंदर, अगर आपका बॉडी पार्ट वॉल के थ्रू दिखता है तो उस पर गोली मार के बंदे को कन्फर्म कर सकते हो। तो ये हरकत मैंने करने की सोची थी यहाँ पे, बट बच गया नोबड़ा का करें, एंड फिर इस बंदे को मारा मैंने। देख रहे हो मिनी को चलाने में कितना मजा, लाइक आपको हमेशा एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं मिनी के साथ ना। क्या होता है मिनी का सबसे अच्छा फायदा ये कि तुम इसके अंदर वन शॉट अगर तुम्हारा मिस भी हो जाता है, लाइक अंडर प्रेशर जब होता है तो तुम्हारे शॉट मिस होने का चांसेस है। तो भैया जी अगर आपके शॉट मिस होते हैं तो चिंता ना करिए, मिनी के अंदर आपको 30 गोली मिलती है लगातार मारने के लिए, तो भैया आप उसका बहुत फायदा उठा सकते हो। तो अब 3 बंदे बचे थे, मैंने कहा अब पुश कर देते भैया, बहुत हो गया, अब घुस जाते 3 ही तो बंदे हैं। तो तुम्हारा भाई बैठा डे में, मैंने बोला एक्लिप्स बेटा चल, एंड हम यहाँ पहुँचे कि हमको तो एक सांप भी मिल गया। मैंने अरे ओ जहरीले आइटम कहाँ निकल ली, हो भैया काहे जहर फैला रहे हो रे, हद्दे कितना जहर उगलोगे रे सांप के बच्चों, कहीं भी सांप बन जाते हैं रे, कहीं भी ऐसे काहे रे, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। तो चलो कुछ नहीं होता, 1v2 है, आखिरी बंदा बचा सर्वर में, तो वो भी सांप नहीं, सांप की प्रजातियां सारी के सारी आपको इधर ही मिल जाएंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। एक होते हैं सस्ते सांप, एक होते हैं जहरीले सांप, एक होते हैं नुबड़े सांप, एक होते हैं मैक्सटन जैसे सांप। हाँ मैक्सटन को इन्वॉल्व करना ऑफकोर्स जरूरी था, नहीं तो वीडियो मेरी पूरी कैसे होती जब तक मैक्सटन को दो बात ना बोले। तो मैंने सोचा इस मैक्सटन जैसे दो कीड़े के सांप को पैन मारूंगा। तो मैंने स्मोक किया एंड इक्लिप्स के उसके ऊपर, लाइक इक्लिप्स को मार रहा था, मैंने पीछे से जा करके बेचारे को भर दिया, बहुत मजा आया। एंड इसी के साथ विनर हो तुम्हारे भाई एंड्रो का प्यारा सा चिकन डिनर हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ, लाइक शेयर तो कर दो, लाइक दिल से अच्छा लगता है, एंड लाइक कर दो रे, चाहे उठा करके अपना फ़ोन जमीन पे मारो, लाइक हो जाना चाहिए, नीला हो जाना चाहिए बटन, एंड सब्सक्राइब करना तो कभी भी मत भूलना जी ना। अपने सारे के सारे हिडन अकाउंट्स निकालो जो कि तुम इस्तेमाल करते हो वैसे टाइप की वेबसाइट्स एक्सेस करने के लिए, उनसे सब्सक्राइब करो, अपने गर्लफ्रेंड के अकाउंट से सब्सक्राइब करो, अपने गर्लफ्रेंड के एक्स के अकाउंट से सब्सक्राइब करो, एंड फिर तुम अपने गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड के अकाउंट से भी कर सकते हो, फिर मेरे को पता है तुम्हारे लंबे लंबे एल लग जाएंगे। एंड गाइस पीस आउट।